वो एक गुनहगार बनी इसराइल की उसकी कहानी मौजूद है कि वो आया और नेकोकार से उसने कोई बात की तो उसने उसको झटक दिया, और वो इतना नेकोकार था जब वो चलता था तो बादल उसके ऊपर साया करता था, अल्लाह ने उसको इतना नवाजा हुआ था। लेकिन गुनहगार को देख करके उसके अंदर नफरत के जज्बात पैदा हुए, उसने कहा मेरे से बात ना कर, पीछे हट जा। अल्लाह अकबर। तो वो बेचारा बड़ा रोया कि मालिक मैं इतना गुनहगार हूं कि तेरे पाक बंदे मुझे अपने पास बिठाने के लिए भी तैयार नहीं। दिल टूटा, शिकस्तगी पैदा हुई। कहा लेकिन मालिक तेरी मर्जी, और वापस पलटा। लेकिन जब वापस पलटा तो वो बादल का साया जो उस नेकोकार पे था वो साया इस गुनहगार के सर पे आ गया। तो वो करम नवाजी जिस पे फरमा दे उसके सारे बंदे हैं। तो अल्लाह को जो है वो तकब्बुर की नेकी नहीं, वो गुनाह जिसके बाद इज्जत पैदा हो अल्लाह को वो पसंद है, वो गुनाह जिसके बाद तौबा के जज्बात उभरे, बंदे को शर्मिंदगी का एहसास हो। तो मत ऐसे बने कि चार नमाजें पढ़ लें तो सब बेनमाजियों को हकीर जानने लग जाएं, थोड़ा सा काम कर लें, सदका व खैरात कर लें तो बाकी मालदारों को हकीर जाने लगे। आपको दीन के काम की तौफीक मिल गई है तो आप दीन के ठेकेदार बन के बैठ जाएं कि मैं इतना बड़ा जलसा करवाया, अब मेरे अलावा तो कोई यहाँ मुसलमान नहीं रहता, मैं ही सबसे बड़ा आशिक रसूल हूँ और मैं ही सबसे बड़ा मुसलमान हूँ। ना, ऐसा ना कीजिए। अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आपने लोगों को दावत दी, पता नहीं किस आने वाले पे कितना करम हुआ है। ये तो उनकी रहमतें हैं, वो जिस पे चाहे जैसे चाहे बरस जाएं। हम को ठेकेदार थोड़े हैं, हम तो नौकरी करने वाले हैं, हम तो जूते उठाने वाले हैं। हो सकता है किसके सदके, मेरे वालदे गिरामी मुझे याद आते हैं, वो मुझे फरमाया करते थे जब गुफ्तगू के लिए निकलने लगे और लोगों का हुजूम होने लगा, तो वो मुरब्बी थे बड़े, और बड़ी हिकमत के साथ जो है वो कोई ना कोई बात समझाते रहते थे। तो एक दिन फरमाने लगे कि एक खतीब था, बज़ाहिर अच्छा किताब करता लेकिन अंदर से वो इतना अच्छा नहीं था। तो जब वो फौत हो गया तो वो बख्शा गया, तो उसने अल्लाह से कहा कि मेरे मालिक मेरा तो कोई अमल ही नहीं है कि मेरी बख्शिश होगी और मेरी मगफरत हो गई। तो फरमाया कि हाँ हम तुझे जानते हैं, लेकिन एक दिन तू कहीं वाज कर रहा था, मेरा एक बंदा बैठा था उसको पसंद आ गया, मैंने उसके सदके तेरी मगफरत फरमा। उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, वत कोई बख्शिया मिल जावे ते तू ही बख्शिया जा। तो पता नहीं किसके सदके से अल्लाह रहमतों का नजूल फरमाता है। बेअमल को देख करके उससे नफरत नहीं है, नफरत तो गुनाह से है, गुनाहगार से नहीं है, लेकिन कोशिश की जाए कि ये अमले बद छोड़ दे। अल्लाह अकबर। एक जनाजा गुजरा और वो जनाजा किसी गैर मुस्लिम का था, तो चश्मान रहमत में आंसू आ गए। तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर ये यहूदी है या ईसाई है, कोई उसका जो मज़हब था वो बताया। तो फरमाया कि मुझे इस बात पर अफसोस आया कि ये इस्लाम नहीं ला सका और कुफर की हालत में मर गया, तो अगर ये इस्लाम लाता और जो है वो जन्नत की राहों का मुसाफिर होता तो कितना अच्छा। ये उसके साथ भी हमदर्दी है। तो अल्लाह की मखलूक, ये जन्नत के अकेले ठेकेदार बनने की कोशिश ना करें कि मेरे अलावा कोई जाए ना, जन्नत के दरवाजे पे मैं बैठ जाऊँगा किसी को, ये ज्यादती है। मेरे तो आला हजरत ने यह कहा था, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो इसलिए उम्मत साजी की एक तो कोशिश करिए, अपने अंदर बाहमी छोटे छोटे नज़ा इख्तलाफ, ये इंसानी फितरत है, इंसान के अंदर तबाय के अंदर इख्तलाफ है, तरजीहात के अंदर जो है वो इख्तलाफ है, अपने अपने मिजाज के अंदर तफावत होता है। तो ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों से आप जो है वो उम्मत को फाड़ चीर के रख दें, नहीं, बल्कि उम्मत का जो तसव्वुर है उसको कायम रहना चाहिए। तो गुनाह के बाद जब इंसान के अंदर नदामत का इजहार होता है, वो जो आंसू टपकते हैं, बंदा अपने आप को छोटा समझता है, मैं इतना गुनाहगार, मैं पापी, मैं मुजरम, मैं मैला अथरू, जब वो अपने आप को देखता है कि मैं इतना बुरा शख्स हूं, तो फिर अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर मतवज्जे होती हैं। तो उसको पसंद है कि जब बंदे उसके हुजूर आजजी करते हैं, उसके हुजूर माफी मांगते हैं, तो मत किसी को हकीर जानना कि ये गुनाहगार है, न जाने उसका अंजाम क्या हो। कितने गुनाहगार उनका आखिर अच्छा हो जाता है, कितने नेकोकार उनका आखिर अच्छा नहीं होता। इन्नमल आमालो बिल खवातीम, वो थी तो फाहिशा औरत
लेकिन एक काम किया कि एक कुत्ते को पानी पिला दिया, अपने दुपट्टे से जूता बांधकर कुएं में लटकाया और उसको पानी पिला दिया। हदीस पाक में आता है अल्लाह इसके सदके से उसकी खताएं माफ फरमा दी। और एक ने बिल्ली को मार दिया खातून को, वो जहन्नम की आग में जलने लगी। इसलिए कौन किसका अंजाम क्या होता है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि बच्चे से प्यार करो कि उसके गुनाह कम हैं, और बड़े से प्यार करो उसकी नेकियां ज्यादा हैं, उसकी नेकियां ज्यादा हैं। छोटे से इसलिए प्यार कि इसके गुनाह कम होंगे, और बड़े से इसलिए प्यार कि इसकी नेकियां ज्यादा होंगी। और इसी तरह जो है वो ख्याल करो कि हो सकता है इसका अंजाम बखैर हो जाए और इसका आखिर कितना खूबसूरत हो। तो मत किसी को हकीर जानिएगा, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो हुजूर की उम्मत से प्यार करो, मखलूक खुदा को जोड़ने की कोशिश करो। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये जो उम्मत का तसव्वुर दिया और कहाँ कहाँ से ला के कहाँ कहाँ के अफराद को एक ग्रोह में, एक जमात में और एक उम्मत के अंदर परोया, एक लड़ी के अंदर परोया, इस उम्मत को उम्मत ही रहने दिया जाए। अल्लाह मुझे आपको अपनी पनाहों का हिसार अता करे।